जला दी जाएगी, यानी अग्नि का आह्वान होगा, और आप सब लोग अपने उस मंत्र का गुरु पूर्णिमा से लेकर गत गुरु पूर्णिमा से आज तक की गुरु पूर्णिमा तक जो मंत्र जप किए हैं उसका एक एक माला आहुति आप कल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच संपन्न कर ले। अग्नि का आह्वान करने का कार्यक्रम उदय महाराज 8 बजे करेंगे। आप मोहन सेठ और पल्लवी दीदी अग्नि का आह्वान करेंगे। अग्नि जलते रहेगी गुरु पूर्णिमा के आखिरी दिन तक, 18 तारीख के शाम तक। और आपने जो कोई भी आज तक जप किए हैं, ये गुरु का कर्तव्य होता है। आपके घर में आपने होम हवन नहीं किया होगा, ऐसे लोग जिनको नहीं कर सकते हैं ऐसे लोग उनके मंत्र जप का हवन वहां वे उस कल अग्नि में आहुति देते हुए कर सकते हैं। वो परसों के दिन शाम तक जो जो भी मंत्र आपने किए हैं, आपको मंत्र याद है, उन मंत्रों की एक एक माला आहुतियां आप उसमें डालें। और आहुति के लिए आज द्रव्य चावल तिल और घी का मिलाया हो और उसमें शक्कर मिलाया हुआ आहुति चाहे किसी भी देवता के लिए हो वही आहुति आप प्रदान करें। इसके बाद आज मैं कुंडलिनी के जागरण के बारे में मैंने सुबह आपको एक मंत्र दिया था। वो मंत्र था ओम ब्रह्म ब्रह्मांड वै निम निखिल वै नमः। इस मंत्र में मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्वयं इस मंत्र से ब्रह्मांड में व्याप्त है और निखिलेश्वरायण जी बनकर हम मेरे हृदय में मेरे मस्तक पर मेरे सहस्त्रार में जागृत है, और ऐसे मैं निखिलेश्वरायण सदगुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। यह इस मंत्र का अर्थ है। जिन्होंने भी इस मंत्र को 21 माला पूर्ण जप किया है उसको मैं आज अभी एक उस कमल बीज को दूंगा जो सहस्त्रार तक आपके घर में लक्ष्मी और अष्टैश्वर्य प्रदान करती है। जिन्होंने भी मंत्र जप किया है वे लोग, मैंने कहा था कि मैं आपको उसकी विशेष दीक्षा दूंगा, वह सिद्ध कमल बीज आपको अभी जिन्होंने 21 माला मंत्र जप किया है वो एक एक आकर उस कमल बीज को आपके अपने साथ ले ले। और उसके साथ एक विशेष बात कहता हूँ, आपके जीवन में घर में किसी प्रकार के तंत्र बाधा हो या आपका मन चंचल हो गया हो, जिसने इस मंत्र को 21 माला मंत्र जप किया है इस कमल बीज के साथ आप कल किसी भी पेड़ के 21 हरे पत्ते तोड़कर उस कमल बीज के साथ उसी मंत्र से अगर आप आहुति देते हैं और उस भस्म को आप आपके साथ ले जाते हैं और उसका तिलक करने के बाद आप अगर साधना पर बैठते हैं तो आपकी साधना उस कुंडली जागरण के साथ सिद्ध होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो नाथ संप्रदाय में ही केवल कही गई है। और कल गुरुवार का दिन है, आप 21 किसी भी पेड़ के हरे पत्ते, एक ही पेड़ का पत्ता नहीं होना चाहिए, 21 अलग अलग पेड़ के 21 अलग अलग पत्ते होने चाहिए, और जो कमल बीज अभी दे रहा हूँ उस कमल बीज के साथ उस पत्तों को आहुति में डालकर उसके ठंडा होने के बाद उस भस्म को अपने साथ ले लें और उस भस्म का तिलक करके कोई भी साधना संपन्न करें, आपकी कुंडलिनी और आपका ध्यान धारणा और समाधि जरूर लगेगी। मैं वो कमल बीज केवल उन साधकों को प्रदान कर रहा हूँ जिन्होंने 21 माला मंत्र जप सुबह का बताया हुआ किया है। ओम ब्रह्म ब्रह्मांड वै निम निखिल वै नमः, इस मंत्र को जिन्होंने किया है वे लोग लाइन से कतार कर आए और यहाँ से कमल बीज लेकर जाए। माता जी के हाथ से कमल बीज दिला रहा हूँ। कोई भी प्रणाम ना करे, वहाँ से माता जी वहीं आएगी आकर दे दे, ताकि ऊपर उठने का भी आपको ज्यादा कष्ट ना हो, वहीं को वहाँ दे देकर आप मैंने जैसा बताया वैसा करें। हाँ, दत्तू भैया कह रहे हैं कि आश्रम के पत्ते नहीं तोड़ना, जंगल में नहीं जाना, वो देख लो, नहीं तो किसी के घर के जाकर पत्ते तोड़ेंगे। फूलों के पत्ते मत तोड़ो, जरा देख के तोड़ना। ये कैमरा कार्ड, ए कैमरा कार्ड पहले साथ हो गया, जार भी नहीं है। ये नहीं कर दूँ, कर दूँ, बरे बरे कर दूँ, बरे देखना है, यही बीज नहीं लेना है। రావైన్ పెట్టు ఆడవించు ఏం చేస్తున్నావు
साथ ले जाते हैं तो कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत प्रक्रिया में सहस्त्रार जागृति में मेरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले सद्गुरुदेव मेरे सहस्त्रार में निवास करें, सहस्त्रार में उनका वास हो और इस भस्म को जो भी तिलक करता है उसका अग्नि चक्र तो जागृत होता ही है, लेकिन ऐसे लोग भी जिन लोगों को कुछ ऐसी आदतें हैं जो छूटती नहीं है, जैसे पीने वाले की आदत है, जैसे जुआ खेलने वाले की आदत है, जो अपना मन चंचल रहता है, ऐसे लोग अगर इसी मंत्र से इस भस्म को अगर पानी में डालकर पीते हैं, आज या जिसका मति भ्रमण हो गया है, जो मति उसकी ठीक नहीं रहती, वो लोग भी अगर इस भस्म को पानी में डालकर इस मंत्र के साथ ग्रहण करते हैं 3-4 दिन या 5 दिन, तो वह भी अपने मति को, अपने कुंडलिनी को जागरण करते हुए अष्टवा सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस भस्म में इतनी श्रेष्ठता है और वह केवल कल एक ही दिन का मुहूर्त है, कल ही के दिन करना चाहिए, इसके बाद में यह मुहूर्त फिर कब आएगा इसके बाद में पता चलेगा, इसलिए कल 8 बजे उदय महाराज हाँ अग्नि को आह्वान करेंगे, कुंड में अग्नि प्रज्वलित करेंगे, इस कमल बीज के साथ इन पत्तों को डालने के बाद आपके गए गत गुरु पूर्णिमा से इस गुरु पूर्णिमा तक जो भी मंत्र आपने किए हैं उस मंत्र की आहुतियां भी आप डाल लें, 10-10:30 बजे तक आप यहाँ फिर विराजमान हो, कल का कार्यक्रम वहां से आरंभ होगा। आपको अभी आपने भोजन नहीं किया है तो भोजन कर लें और जिन्होंने मंत्र जप नहीं किया है वो लोग मंत्र जप कर लें। कल का कार्यक्रम फिर 10 बजे से समझाया जाएगा, कल सुबह अग्नि में आपके मैं गुरु हूँ, आपके घर में आहुति या आह्वान या अग्नि का आह्वान नहीं होता, होम जिनके घर में नहीं कर सकते वो लोग सभी लोगों के लिए मैं कल अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूँ, वो लोग डालें। गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूर्णाहुति मनाऊंगा और पूर्णाहुति में आप सारे आप आज तक किए हुए जितने भी मंत्र है उसकी पूर्णाहुति उसी दिन होगी, गुरु पूर्णिमा के दिन रात में यहाँ से आप जाने से पहले। अभी बात यह रही कि इस भस्म का इतना उपयोग है, नाथ संप्रदाय में कहते हैं कि यह भस्म डालने से किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा भी हो या कोई तंत्र प्रयोग भी हो गया हो, किसके घर में दरिद्रता भी हो, केवल इस भस्म मात्र से, केवल इस भस्म को लगा लेने से या केवल इस भस्म को घर में रखने मात्र से उसके घर में सारी तंत्र बाधाएं जाती है ऐसा कहा गया है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप उस कमल बीज का उपयोग करें। कमल बीज कोई मामूली बात नहीं है, कमल बीज है लक्ष्मी का बीज, यानी जिससे लक्ष्मी आती है, जिससे जिस बीज का आहुति करने से या जिसके आप क्या कहते हैं जिसका मुरमुरा बनाना या जिसका लाया बनाने से, जिसके उसको क्या कहते हैं मखाने बनाने से हम उसको खाते हैं और हमारे में लक्ष्मी की स्थापना करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा के दिन कमल बीज के मखाने बनाकर उसका नैवेद्य महालक्ष्मी को बताते हैं, ऐसे कमल बीज की आहुति डालना और उसका भस्म घर में रखना और वह कल के दिन की विशेषता के साथ रखना एक विशिष्ट प्रक्रिया है। आप गुरु होने के नाते मैं आपको यह समझा रहा हूँ, आप इस भस्म को आपके साथ ले जाकर घर में रखने पर ऐसे आदतें जिनके भी हो, जिनका मति भ्रमण हो गया हो, जो ज्यादा पीता भी हो, उसको अगर 11 दिन तक इस भस्म का पानी में डालकर दिया जाए तो उसका पीना भी बंद हो जाएगा और वो बुरे आदत से छूट जाएगा। इस भस्म में उतनी श्रेष्ठता है और अष्टमहा सिद्धियों का यह भस्म कहलाने वाला सच बात तो इस पत्तों को तोड़ने का एक विधान भी बताया गया है नाथ संप्रदाय में। कैसे
कि एक पहाड़ पर या एक रास्ते पर जा रहे हैं आप, जाते समय आपके राइट हैंड साइड को जितने भी पेड़ आएंगे उससे पत्ते तोड़ ले 11 और फिर वापस आ जाए, आते समय फिर राइट हैंड साइड को जितने पत्ते आते हैं जिससे पेड़ आते हैं उसके 10 पत्ते तोड़ ले। इस प्रकार 21 पत्तों को पहाड़ चढ़ते समय पहाड़ उतरते समय तोड़ लेकर उन पत्तों का उपयोग करें, ऐसा नाथ संप्रदाय में एक तंत्र विधान है। इसको एक आश्चर्यचकित चमत्कारिक भस्म कहा गया है। इस भस्म का जो उदाहरण करते हैं, जो घर में रखते हैं वो अपने आप को एक भाग्यशाली आदमी कहला जाता है, उसके घर में तंत्र बाधा नहीं होती, किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती, ऐसा नाथ संप्रदाय में कहा गया है। यहाँ पहाड़ नहीं है फिर भी हम रस्ते से जब जाते रहते हैं अपने राइट साइड में जितने भी पेड़ आएंगे उससे एक एक पान तोड़ते हुए, डिफरेंट पेड़ों से पान तोड़ते हुए फिर आते समय 10 पान तोड़ते हुए 21 पत्तों की आहुति दे, ये विधान है। यहाँ नहीं मिल सकते आपको ऐसे पेड़ पत्ते, यहाँ भी तो जंगल है, अगर आपको नहीं मिल सकते हैं तो आप दूसरे विधान पहाड़ नहीं है जहाँ भी है 21 पत्ते डिफरेंट पेड़ों के तोड़ ले और आहुति प्रदान करें। दत्तू भैया का एक रिक्वेस्ट है आपको, कई आश्रम के पत्ते तोड़कर झाड़ों को सुखा मत दें, आप जरा देख लेकर काम करें। अभी बात रही यह कि अब आपको 10:30 का समय हो गया है, आप भोजन कर लें। जो लोग नए आए हुए हैं उन लोगों के भी इस कुंडली जागरण के बारे में समझा दें, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है कि सभी को इस मंत्र का और इस श्रेष्ठता का अनुभव हो, क्योंकि मैंने स्वयं इस मंत्र का अनुभव किया है। आपको भी इस मंत्र का आह्वान करते हुए कह रहा हूँ कि जिनके घर में भी ऐसी तंत्र बाधाएं हैं वो अपने घर में इस भस्म को रख सकते हैं, और केवल चुटकी भर भस्म आकर रखने लेकर साधना करने से या किसी को भी तंत्र बाधा हुई है, भूत प्रेत बाधा हुई है या किसी को गुरु है देते हैं उसको भी अगर इस भस्म को पानी में डालकर पिलाने के देने से उसको चमत्कारिक प्रयोग सामने आता है। और ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ आज का ये गुरु पूर्णिमा का प्रथम दिन यहाँ समाप्त करता हूँ, और कल सुबह सभी लोगों को गुरु मंत्र जप के साथ कुंड पर आपको 8 बजे आने को कहता हूँ, और उससे पहले आप सब लोग गुरु पूजन में भाग लें। मोहन सेठ पूजा कर रहे हैं, उस आरती में पूजा में पहले भाग लें। 7 बजे आरती होगी, 8 बजे हवन कुंड के प्रज्वलन होगा, 10 बजे तक हवन का कार्यक्रम होगा, 10 बजे फिर मैं प्रवचन के लिए यहाँ हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज का यह कार्यक्रम यहाँ समापन करेंगे। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुपुत्र गुरुदेव की, सब सिद्धाश्रम की, सब सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोलो हर हर बोलो ना गुरु मंत्र का सब लोग के पास आ गई सामग्री। थाली घुसन डेट का था बेटे उन्होंने अर्थम चले खाली हो गया क्या दुई बार में तुम्हारा क्या गुरु मंत्र है क्या कर रहे हो जब से अभी तो स्टार्ट हुआ नेक्स्ट दूसरे बैच में आ जाओ गुरुजी अपने
Yo, I'm
ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం అజేయాయ నమః ఓం విద్యాయ నమః ఓం రూపానిదానాయ నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం జీవతత్వ బోధకాయ నమః ఓం శాస్త్రాక్షాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం శిష్యవన పంచలాయ నమః ఓం అనుగ్రహాయ నమః ఓం నిఖిలేశ్వరానందాయ నమః ఓం గృహస్థ స్వరూపాయ నమః ఓం అనాథనాథాయ నమః ఓం చిత్తారాయ నమః ఓం దుర్లభ గురవే నమః ఓం సూక్ష్మ రూపాయ నమః ఓం కాలాతీతాయ నమః ఓం సౌమ్యాత్మరవరాయ నమః ఓం నిర్లిప్తాయ నమః ఓం అఖండాని శాస్త్రాల జాగృతాయ నమః ఓం కుండలినీ జాగృత శాస్త్రాల జాగృతాయ నమః ఓం యోగమయ స్వరూపాయ నమః ఓం తపోమయాయ నమః ఓం మార్గదర్శకాయ నమః ఓం మంత్ర తంత్ర యంత్ర సిద్ధికరాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రత్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం మధోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం మత్స్యాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరే నమః ఓం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే నమః ఇది ఋతుకాల పుష్పాన్ని సమర్పయామి నమస్కరోమి ధూపం. వందే గురుర్మండలం. గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః. గురు పూర్ణిమ కా ఆజ్ దూసరా దిన్ హై ఔర్ హమ్ కల్ రాత్ మే జిస్ కుండలిని జాగరణ కే బారే మే మేనే ఆప్కో బతలాయా థా ఔర్ బినా కుండలిని జాగరణ కే కోయి యోగి నహీ కెహలాతా యే బాత్ భీ మేనే ఆప్కో సమ్జా దీ థీ ఔర్ కుండలిని జాగరణ వ్యక్తి చాహే సంసార్ మే కహీ భీ బైఠా హువా హో ఉస్కే హద్ లోక్ కళ్యాణ్ హోతా హీ వో అప్నే ఆప్కో జలానే కీ ప్రక్రియా జాన్తా హై. హమ్ భగవాన్ సూర్య కో జాన్తే హై. భగవాన్ సూర్య భీ హమారే వో కాశ్యప్ గోత్ర హై ఔర్ కశ్యప్ మహర్షి కే పుత్ర హై. సప్త మహర్షియా జో సూర్య కే భీ ఊపర్ హై. సప్త మహర్షియో కా మండల్ భీ హమ్ ఆకాశ్ మే దేఖతే హై. ఉస్ సప్త మహర్షియో మే సే కశ్యప్ ప్రజాపతి కే పుత్ర సూర్య భగవాన్ కెహలాతే హై. వైసే యే అత్రి మహర్షి కే పుత్ర చంద్రమా కెహలాతే హై. సో యే గ్రహ భీ లోక్ కళ్యాణార్థ అప్నే ఆప్ కో జలాతే హువే అప్నే ఆప్ కో దాస్ సహలేతే హువే వే లోక్ కళ్యాణ్ కర్తే హై జిన్కీ కుండలినియా జాగృత హోతీ హై. జిస్కీ కుండలిని జాగృత హుయీ వో అష్ట మహాసిద్ధియో కా మాలిక్ బనా ఔర్ వో జో అష్ట మహాసిద్ధియో కా మాలిక్ బనా ఉసే కిత్నా భీ భండార్ హో జితనా చాహే ఖర్చ్ కరే ఉస్కే పాస్ ఆతే హీ రహతా హై. తో కుండలిని జాగరణ ఏక ఐసీ ప్రక్రియా హై హమ్ సబ్ లోగ్ భీ భక్తి కర్ రహే హై. మైనే కల్ ఉదాహరణ దియా థా ఆప్కో వారీ తో 11 లాఖ్ లోగో నే కీ పండరి కీ వారీ 11 లాఖ్ లోగో నే కీ కర్ రహే హై. లేకిన్ కితనే లోగ్ తుకారామ్ బనే కితనే లోగ్ ఏకనాథ్ మహారాజ్ బనే కితనే లోగ్ సంత సగుబాయి బనే కితనే లోగ్ జనాబాయి బనే ముక్తినాథ్ బనే జ్ఞానేశ్వర భగవాన్ బనే వో బనే క్యో ఔర్ యే క్యో నే బనే యే తో ఉన్హీ కే అనుయాయి హై. ఐసీ క్యా ప్రక్రియా హుయీ కీ వో లోగ్ ఉత్నే మహాన్ కెహలాయే ఔర్ యే లోగ్ నహీ కెహలాయే యహీ బాత్ సమ్జా రహా థా. జబ్ జిస్ వ్యక్తి కీ కుండలిని జాగృత హుయీ వో దేవతా సే తాదాత్మ్య అనేక ఆత్మా ఉసే తాదాత్మ్య కహా జాతా హై. ఉస్ ఆత్మా కా ఉస్ ఆత్మా కే సాథ్ సంబంధ హోనా ఉసే తాదాత్మ్య కహా గయా హై. ఔర్ జబ్ ఆత్మా సే ఆత్మా కా సంబంధ హోతా హై వో అప్నే గురు సే కహీ భీ బైఠా హువా ఆనందయుక్త జీవన జీతా హై.
इसी कुंडलनी जागरण की जो प्रक्रिया में कल आपने आज सुबह से जो गुटिकाओं की आहुति दी और मैंने कहा था कि मैं सुबह आपको कुंडलनी जागरण का मंत्र दूंगा, उससे पहले सभी लोग जो बैठे हुए हैं वे एक बार अपने गुरु मंत्र का फिर एक बार गुरु मंत्र की दीक्षा लें, उसके बाद कुंडलिनी जागरण का की मंत्र दीक्षा दी जाएगी। पहले आपको गुरु मंत्र की दीक्षा दी जाएगी, जो लोग नए भी हैं वो लोग भी इस गुरु मंत्र की दीक्षा से दीक्षा में भाग ले सकते हैं। पहले मैं जैसा कहता हूं वैसे कहो, बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना बायां हाथ हृदय पर और दायां हाथ सर पर रख लो, मैं मंत्र बोल रहा हूं। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र बोल रहा हूं। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। गायत्री मंत्र बोल रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत् वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी फिर एक बार गुरुर् ब्रह्मा बोलेंगे और उसके बाद कुंडली का मंत्र दिया जाएगा। बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कुंडलिनी यंत्र लिया है और सुबह गुटिकाओं की आहुति दी है। इसमें मैंने इसलिए कि थोड़े लोगों को कुंडलिनी का बड़ा मंत्र नहीं हो सकता, इसलिए छोटा मंत्र इसलिए दिया हूँ कि जिन्हों अपने कार्य से विवश है, नौकरी में विवश है, नौकरी करते समय उनके उतना समय नहीं मिलता, वो लोगों के लिए यह मंत्र भी उतना ही श्रेष्ठ है, लेकिन मंत्रों की जप संख्या ज़्यादा है, इसलिए दो मंत्र भी बोल रहा हूँ। पहला वह मंत्र जिसे गोरखनाथ जी मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी को दिया था और गोरखनाथ जी ने सारे लोक कल्याण के लिए इस मंत्र के माध्यम से कुंडलिनी जागरण करने की प्रक्रिया बताई थी। मैं मंत्र कह रहा हूँ, आप सब लोग मंत्रों का उच्चारण मेरे साथ करें। कहें ओम ऐं ह्रीं राम ह्रीं धूम ह्रैं ह्रौं ह्रः जगन्मातः सिद्धि देहि देहि स्वयंभु लिंगमाश्रितायै विद्युत्कोटि प्रभायै सहस्रदल गामिन्यै स्वाहा। यह मंत्र है, फिर एक बार बोल रहा हूँ। बोलो ओम ऐं ह्रीं राम ह्रीं रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः जगन्मातः सिद्धि देहि देहि स्वयंभू लिंगमाश्रितायै विद्युत